brazen VVIP culture on the streets of Jaipur. A video of Rajasthan Deputy Chief Minister Premchand Bairava's son is viral on social media, where the Deputy Chief Minister's son, Ashu Bairava, is seen driving an open hooded jeep in Tashan. And police is seen escorting him, accompanied by three other youths, the name of one of whom is Kartikeya Bhardwaj, who is the son of the Congress leader Pushpendra Bhardwaj, contesting elections on the Congress ticket from the Sanganer Assembly seat in front of Chief Minister Bhajan Lal Sharma, against Bhajan Lal Sharma. However, it is beyond comprehension as to why these sons of Netas were going for fun and entertainment got police escort. I'm going to go straight across to Sharad Kumar for more details on that story. Sharad, in नेताओं के इन लड़कों को किस वजह से पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस स्कॉट इस पूरे मामले में मिला है, क्योंकि ये कैमरा में ये पूरी जो इंसिडेंट है ये कैच हुई है? सोर्सेज आपके पुलिस के तरफ से क्या कह रहे हैं कि इस तरह से पुलिस स्कॉट क्यों प्रोवाइड करवाना था? देखिए, ये पुलिस स्कॉट नेताओं के बेटे को नहीं मिले हैं, बल्कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को मिले हैं, मगर वो रील बनाने के लिए पुलिस को अपने साथ ले गए हैं मौज मस्ती के लिए। बारिश का मौसम है, ये नाहरगढ़ से पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ये पुलिस को लेकर गए हैं, मगर पुलिस इस तरह से एस्कॉर्ट करते हुए उन्हें घुमा रही है और जिस तरह से तेज गाने बज रहे हैं, और अगर आप उस खुली जीप के टायर को देखेंगे तो वो भी ट्रांसपोर्ट विभाग जो खुद जिसके उनके पिता डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पास है, वो भी अलाउ नहीं है कि बड़े टायर जैसे ट्रक के टायर लगा के जीप चलाएं। उसके बाद भी पुलिस साथ साथ जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पावर के साथ पुलिस समझौता कर लेती है। और इस बारे में प्रेमचंद बैरवा से हमने सुबह से कई बार कोशिश की बात करने की, पर वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं अपना। कल भी फोन नहीं उठा रहे थे, पुलिस के पास भी कुछ कहने के लिए नहीं है और बीजेपी भी इस मसले पर कुछ नहीं बोल रही है। मगर जिस तरह से ये वीडियो आया, ये वीडियो एक अकेला वीडियो नहीं है, अगर आप जाकर देखेंगे उनके इंस्टाग्राम पर, हालांकि अब तो डिलीट कर दिया उन्होंने, तो इस तरह के आपको आधा दर्जन एक दर्जन वीडियो देखेंगे जहां पर उनके पिताजी जाते हैं दौरा करने के लिए और ये भी अपना रील बना रहे हैं दौरा करते हुए अपने पिताजी के साथ, डिप्टी सीएम के साथ। तो ये कहा जा सकता है कि एक पावर का किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है रील बनाने के लिए, या फिर पुलिस का किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है रील बनाने के लिए, ये उसका उदाहरण है। लेकिन सरकार के तरफ से या पुलिस के तरफ से इस पे कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ और ना ही किसी ने कहा है कि एक्शन कुछ होगा। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर्स इस तरह से रील बनाने के लिए इन लोगों को अकंपनी कर रही है, तो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी इस पर एक्शन होना चाहिए शरद? हाँ, लेकिन प्रेमचंद बैरवा अभी फिलहाल जिस तरह से एक बीजेपी इन्हें एक दलित चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, और कल जब बीएल संतोष आए थे तो वो भी इनसे अलग से मिले, दलित वोट बैंक के लिए इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, ऐसे में हो सकता है इन्हें कोई सलाह दिया जाए, मगर कोई पुलिस एक्शन हो या सिक्योरिटी हटे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस मामले में प्रेमचंद बैरवा भी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए खुद को अलग रखे हुए हैं। और चूंकि पुलिस स्कॉट कर रही थी, पुलिस की गाड़ी घूम रही थी, तो पुलिस अपने लोगों पर कोई एक्शन लेगी ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। शुक्रिया एमएसआर जुड़ने के लिए शरद कुमार विद दैट डिटेल रिपोर्ट फ्रॉम जयपुर ऑन दिस इंसिडेंट ऑफ हाई हैंडेडनेस एंड ब्रेजन डिस्प्ले ऑफ वीवीआईपी कल्चर हियर।